Hi all and welcome to my vlog. Today is day one of Andaman series and we are at the cellular jail. इसी प्रबल विश्वास के बल पर सावरकर 10 वर्ष का लंबा अरसा सेल्यूलर जेल की एक ही कोठरी में काट सके, उन्हें बहुत ही खतरनाक कैदी करार देते हुए इतने कड़े पहरे में रखा गया था कि उनके भाई गणेश को 2 वर्ष तक ये नहीं पता चल पाया कि वीर सावरकर भी उनके कदमों पर चलते हुए सेल्यूलर जेल में आ पहुंची। पूरे हैं शाम के सिर्फ 4:14 और बिकॉज ये ईस्ट कोस्ट पे है, मतलब ईस्टर्न साइड पे है इंडिया के, तो आप अभी से ही देख सकते हैं काफ़ी यू नो सनसेट हो गया है, ऑलमोस्ट होना शुरू हो गया है आई थिंक, और थोड़ा थोड़ा अंधेरा होना शुरू हो गया है। सो अभी वी आर हेडिंग टू द सेल्यूलर जेल और लाइट एंड साउंड शो जो फोर प्लेयर का सबसे मेजर अट्रैक्शन रहता है। तो आई वॉन्ट टू क्विकली टेल यू फ्यू थिंग्स। पहली चीज़ है कि पोर्ट ब्लेयर में आप सेलुलर जेल तो देख सकते हैं, साथ में लाइट एंड साउंड शो के लिए आपको अलग से बुकिंग करनी पड़ेगी, वो भी ऑनलाइन। इट इज़ 300 रुपीज़ पर पर्सन और एंट्री चार्जेस शायद कुछ अलग होंगे जो अभी मेरे को जाके पता चलेंगे। तो चलिए नीचे चलते हैं, मेरे होटल से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है, तो आई विल टेक एन ऑटो और हम जाएंगे सेलुलर जेल। और हमारी लाइट एंड साउंड शो की बुकिंग मैंने की है 5:20 की। तो आप 3 तरीके के टाइमिंग्स हैं उसमें अवेलेबल, एक 5:20 है, एक 6:30 है एंड थर्ड टाइम अवेलेबल है 7:30। वो इंग्लिश का शो होता है, बाकी सब हिंदी के होते हैं, तो आप कोई भी बुक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। अभी हमने अपने होटल से एक ऑटो बुक किया है और वो ऑटो आपको लेके जाएगा जो सेलुलर जेल है वहाँ तक। तो आप या तो कैब कर सकते हो या ऑटो भी कर सकते हो। तो हम पूरा मतलब आइलैंड ही है, तो पूरा ओशन के साइड से होते हुए ही जा रहे हैं और बस 2 किलोमीटर का रास्ता है। ऑटो वाला विल चार्ज यू अराउंड 50 रुपीज़ to 70 रुपीज़, एनीथिंग बिटवीन दैट। तो अभी हम पहुँचे हैं द सेलुलर जेल और इसी के सामने आप देख सकते हो वीर सावरकर पार्क है वहाँ पे। तो टिकट काउंटर यहाँ पे क्लोज है और अब हम बाहर जाते हैं। तो सेलुलर जेल है और नेशनल वॉर मेमोरियल भी है यहाँ, इसके बारे में सारी डिटेल्स दी हैं। और एक्चुअली मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ क्योंकि मेरे को किसी ने बोला था कि 5 तक ओपन होती है जेल, तो 5 तक अंदर तक ओपन होती है बट एंट्री 4 क्लोज हो जाती है। तो एंट्री इज़ ओनली मॉर्निंग 8:30 to evening 4:00। तो हम पहुँचे 4:15 पे, तो नहीं हो पाई एंट्री, बट अब हम जो लाइट एंड साउंड शो है वो अटेंड करेंगे। ये मेरे सामने ही आप देख रहे हैं, ये जो है सेल्यूलर जेल है। थोड़ी देर में हम लाइट एंड साउंड शो के लिए यहीं से एंटर करेंगे, प्रॉबेबली यहाँ से या नहीं तो उस साइड से, और अंदर लाइट एंड साउंड शो देखेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि सेल्यूलर जेल के बिल्कुल ही सामने है वीर सावरकर पार्क, तो ये सारे हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको डेडिकेटेड है। और यहाँ पे 7 स्टैचूज़ हैं जो गोल्डन कलर में बनाए हुए हैं, तो मैं आपको एक एक करके एक स्टैचू दिखाती हूँ और क्या लिखा है नीचे वो भी आपको दिखा सकती हूँ। आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको रीड कर सकते हैं। और मतलब छोटा सा ही पार्क एक आर्क शेप में है, सारे फ्रीडम फाइटर्स जो हैं यहाँ पे उनके सबके स्टैचूज हैं। बीच में एक फाउंटेन है जो अभी ऑपरेशनल नहीं है और सामने ही है हमारी सेल्यूलर जेल। सारे लोग अभी आ रहे हैं जो अंदर सेल्यूलर जेल के अंदर, जो जितने भी पर्यटक थे वो अभी आ रहे हैं। और पीछे ही अगर आप देखो तो पूरा का पूरा ओशन है। तो इंद्रभूषण रॉय जी का ये स्टैचू है और आप देख सकते हैं इनके हाथ में जो है हैंडकफ्स हैं, तो वो डिनोट करता है कि ये यहाँ प्रिजनर थे। आप इस वीडियो को पॉज करके यहाँ इनके बारे में रीड भी कर सकते हैं।
வரமா உனக்கு முண்டி வாங்க நாங்கலாம் வரோம் பாபா பான் சிங் ஜி पंडित राम राठौर बाली जी और हम यहीं से ही आगे जाते हैं तो तीन और फ्रीडम फाइटर्स हैं महावीर सिंह जी आप देख सकते हैं जितने भी इनके स्टैचूज हैं उसके अंदर ही उन्होंने उनकी जो जो प्रतिमा बनाई है उसमें ही ऐसे दिख रहा है कि वो काफ़ी जैसे स्ट्रॉन्ग है अबाउट हिज आइडियल्स एंड नॉट विलिंग टू गिव अप तो यही रीज़न है कि आज हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री में एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेशन में जीते हैं जहाँ पे हम किसी के भी अधीन नहीं हैं मोहन किशोर नमादास जी और यहाँ पे जो लास्ट स्टैचू है वो है मोहित मोहित्रा जी का बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे बनाया गया है अगर आप देखें तो मतलब सारे के सारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके जितने भी स्टैचूज़ हैं मतलब बहुत ब्यूटीफुल ऐसे लैंडस्केप है आप पीछे देख सकते हैं पीछे ही ओशन है और ऊपर ब्लू स्काई और बीच में गोल्डन स्टैचू तो आज इन्हीं सब की देन है कि आज हम एक बहुत इंडिपेंडेंट कंट्री के अंदर प्रोग्रेसिव नेशन के अंदर जीते हैं जहाँ हम किसी के भी अधीन नहीं हैं अभी हम वीर सावरकर पार्क जो है वहाँ से बाहर निकल रहे थे तो वहीं मेरे को मनपाल जी मिले सरदार जी आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई आप यहाँ कब से रह रहे हैं जी मैं तो यहीं पैदा हुआ हूँ अच्छा जी। आप यहीं से हैं जी जी यहीं से बहुत खुशी हुई आप बता रहे थे आपके जो फोर फादर्स थे वो जब यहाँ पर जापानीज की लड़ाई हुई उस टाइम यहाँ आए हो अच्छा उस टाइम सिख रेजिमेंट यहाँ पर आया था अच्छा जी उसका बाद में जब यहाँ शांत होने के बाद में उसके बाद फिर वो पुलिस में भर्ती होगी अच्छा तो हम यही बस पैदा हो गए तो तब से आप यही हैं बड़ी खुशी हुई आपको मुझे भी बहुत खुशी हुई कि आपको इधर की पूरी लैंग्वेज भी आती है लैंग्वेज मतलब हिंदी और यही बस अपना थोड़ी मोड़ी मतलब बोल लेता हूँ मतलब इतना समझ नहीं मतलब यहाँ तमिल चलती है ना तमिल बंगाली सब है यहाँ सब बोल लेते हैं नहीं बोल नहीं लेते समझ जाते समझ जाते बहुत खुशी हुई जी सरदार जी आपसे थैंक यू तो अभी हम आए हैं सेलुलर जेल के अंदर लाइट एंड साउंड शो देखने के लिए और कुछ ऐसा होता है तो ये जो है सेलुलर जेल है मैं कल कोशिश करूँगी यहाँ फिर से आने की तो ये फेमस है क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट 700 सेल्स थे इसलिए सेल्स से सेलुलर बना और बहुत छोटे छोटे सेल्स थे हर सेल का एक स्पेसिफाइड डायमेंशन था उसी में हर जो भी प्रिजनर था उसको रखा जाता था और अभी यहाँ लाइट एंड साउंड शो शुरू होगा आगे ही एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट तो देखते हैं कि वो कैसा होता है वो ऊपर देख रही है ना थर्ड फ्लोर पर वहाँ ऊपर ऑनर वाला सेल जो है वहीं पर वीर सावरकर जी को रखा गया था और बहुत ही कड़ी या तनाव देकर के यहाँ रखा जाता है पहनने को कोई वस्त्र नहीं पूरा का ही होता है पहनने को था खाना भी बहुत लिमिटेड अमाउंट में मिलता था उस जमाने में हजारों किलोमीटर दूर यहाँ पर सिर्फ पानी ही पानी था और कोई यहाँ से जा नहीं सकता था बड़ी कड़ी यातना दी गई थी इसीलिए हम लोग उन्हें वीर सावरकर के नाम से जाने जाते हैं धन्यवाद इतने कड़े पहले में रखा गया था कि उनके भाई गणेश को दो बरस तक ये नहीं पता चल पाया कि वीर सावरकर भी उनके कदमों पर चलते हुए सेलुलर जेल में आ पहुंचे जहां वर्षों की तकलीफें
जेल और वॉर्डरूम के सुन, कड़ी मेहनत और निचाट अकेला बन, जेल की 13 फुट लंबी और 7 फुट चौड़ी कोठरी में सिमट कर रह जाता। चावल में कंकड़, सब्जी में रेत और दाल में कीड़े, खाना क्या है, घास फूस है, बर्तन भी कैसे टूटे फूटे, थालियां जंग से लाल और तेल से चुपड़ी हुई। सबसे ज्यादा कमी तो पानी की है। हाँ, आज सुबह जब मैंने पानी मांगा तो जमादार बोला बस दिन भर में 2 डिब्बा पानी मिलेगा। पीने लायक रहता तो भी कोई बात थी, इतनी बास मारता है कि नाक बंद करके पीना पड़ता है। तो अभी थोड़ी ही देर पहले जो लाइट एंड साउंड शो है वो ख़त्म हुआ है और हम बाहर आए हैं। इसके बाद 2 और शोज़ हैं, 6:30 और 7:30, वही रिपीट होंगे। एक इंग्लिश वाला होगा फॉर दोज हु डू नॉट अंडरस्टैंड हिंदी। और बहुत अच्छा था, काफ़ी प्रेरणा मिली, काफ़ी मतलब यहाँ जो भी पीड़ा थी उसके बारे में जानने को मिला। एंड बहुत ज़्यादा एक सेंस ऑफ पैट्रियाटिज़म आता है आपके दिल में वंस यू सी द सफरिंग्स दैट दे यू नो वेंट थ्रू जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर इंडिपेंडेंस।